अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स पे है कि वो कौन से अज्जा हैं जिनसे हमारे पास जो ब्रिक है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे और उसके ब्रीफली उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से अज्जा हैं और किस किस अज्जा की वजह से हमारे पास ब्रिक को नुकसान पहुँच सकता है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास लाइम है। लाइम हमारे पास अगर 5% से ज़्यादा मकदार आपने इसके इस्तेमाल कर दी, अगर 5% से लाइम की जो मकदार है वो ज़्यादा कर दी, तो जो बर्निंग के अमल के दौरान जो हमारे पास होता है फ्यूजन का अमल होता है, यानी कि जो ईंट होती है वो हमारे पास पिघलना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आप 5% से ज़्यादा जो लाइम की मकदार है वो किसी ईंट की मैनुफेक्चरिंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सेस ऑफ लाइम मेल्ट्स द ब्रिक्स एंड डिसफिगर इट, यही पहली लाइन में बताया हुआ है कि जो एक्सेस लाइम है यानी कि 5% से अगर आप उसको ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो है ईंट को जला देगी और जो ईंट की फिगर है यानी कि ईंट को एक प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी। इफ़ CaCa3 एग्जिस्ट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, i.e. इफ इट कंटेन एटलीस्ट 95% CaO इन लाइम लंप इन ब्रिक क्ले, इट कन्वर्ट्स इनटू क्विक लाइम। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो लाइम है ये अगर हमारे पास कंकर की शेप में होगा, यानी कि हमारे पास ये लंप्स की फॉर्म में होगा, तो यानी कि एग्रीगेट की तरह छोटे छोटे टुकड़ों की सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये देन हमारे पास क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अनबुझा चूना बोलते हैं। तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, देन फिर ये अनबुझा चूना क्या करता है, ये हमारे पास जो हवा से जो नमी है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो होता है हमारे पास जो लाइम का जो वॉल्यूम होता है उसमें हमारे पास इजाफा हो जाता है। तो ये हमारे पास जो लाइम के वॉल्यूम में हमारे पास इजाफा हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो ईंट होती है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। When these bricks come in contact with water, quick lime slacks and expands. यही बोले कि जब ये हमारे पास ब्रिक्स जो होती हैं इनको जब हम पानी देते हैं या फिर ये हवा से नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जो क्विक लाइम होता है ये हमारे पास इसमें स्लैकिंग का अमल आ जाता है एंड देन फिर ये हमारे पास एक्सपेंड हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उसका वॉल्यूम जो होता है उसमें हमारे पास इजाफा हो जाता है एंड देन इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स जो होती हैं वो हमारे पास फिर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। आगे मैंने ये एक फार्मूला आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास CaCO3 जब ये बर्निंग का अमल होता है तो हमारे पास कंकर की शेप में होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो लाइम होते हैं वो हमारे पास लम्प्स की फॉर्म में होते हैं, देन फिर ये हमारे पास क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जब क्विक लाइम में कन्वर्ट होते हैं, फिर जब इसके साथ पानी जो है पानी हम इसको देते हैं या मॉइस्चर कहीं से भी एब्जॉर्ब करता है, देन फिर उसमें हमारे पास स्लैकिंग का अमल होता है, फिर इसी स्लैकिंग के अमल की वजह से हमारे पास जो एक्सपेंशन और ब्रिक होती है यानी ब्रिक्स हमारे पास एक्सपेंड कर जाती हैं। क्यों एक्सपेंड करती हैं? क्योंकि जो क्विक लाइम हो जाए उसका वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रिक्स होती हैं वो हमारे पास एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाती हैं। एल्कलीज हैं, एल्कलीज हमारे पास ये हमारे पास नमकियात और असासियात होती हैं। नमकियात प्रॉब्ली हमारे पास जो होती है सोडियम या पोटाशियम की शेप में होती है हमारे पास किसी भी ज़मीन में। अल्कलीज आर मेनली साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, इट एक्ट एज अ फ्लक्स इन द किलन एंड कॉजेज फ्यूजन रैपिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या क्या करती हैं, हमारे पास जो ब्रिक्स होती हैं उनको हमारे पास पिघला देती हैं, रैपिंग मोड़ देती हैं उनको, और ट्विस्टिंग का अमल हमारे पास ब्रिक्स के अंदर ये ले आती हैं। एल्कलीज एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्राम द एटमोसफेयर एंड कॉजेज डैम्पनेस एंड एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स। ये जो हमारे पास नमकियात होती हैं अगर किसी भी ज़मीन में पाई जाती हैं तो ये हमारे पास क्या करती हैं, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्राम द एटमोसफेयर, तो ये हमारे पास एटमोसफेयर से हमारे पास जो मॉइस्चर होता है जो नमी होती है ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे पास वजह क्या बनती है बाद में, हमारे पास उसमें डैम्पनेस आ जाती है यानी कि हमारे पास उसमें नमी वगैरह आ जाती है एंड देन फिर हमारे पास जो ब्रिक्स होती हैं जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास एफ्लोरेसेंस का अमल आ जाता है। अब ये एफ्लोरेसेंस का अमल क्या होता है कि हमारे पास जब नमकियात और पानी आपस में मिलते हैं
देन फिर जब हम किसी भी वॉल की आप कंस्ट्रक्शन कर लें तो देन फिर हमारे पास जब उससे जो पानी जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो हमारे पास जो वॉल की सरफेस पे वो हमारे पास वाइट वाइट सा पाउडर हमारे पास शो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स AgCaCl2 MgCl2। ये हमारे पास जितने भी साल्ट हैं ये उसके बारे में बताया हुआ है कि उसकी वजह से हमारे पास ये एफ्लोरेसेंस ब्रिक्स के ऊपर आता है। ये मैंने पिक्चर में आपको जैसा कि शो किए, यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमारे पास ये एफ्लोरेसेंस का अमल सारा इसमें हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेबल स्टोन एंड ग्रेवल्स, के ये हमारे पास किस तरह हमारे पास ब्रिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले जिस ज़मीन में हमारे पास पेबल्स स्टोन या ग्रेवल्स वगैरह होंगे तो वो हमारे पास वहाँ पे हमारे पास जो मिक्सिंग का अमल होगा वो हमारे लिए काफ़ी दुश्वार हो जाएगा। देयर प्रेजेंस डज नॉट अलाउ थ्रू मिक्सिंग ऑफर डज द ब्रिक्स प्रोड्यूस आर वीकर, तो जिसकी वजह से जो ब्रिक्स, ऑब्वियसली बात है कि अगर मिक्सिंग का अमल ही सही नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्रिक्स जो हैं वो हमारे पास कमज़ोर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सच ब्रिक्स कैन नॉट बी ब्रोकन एट द डिज़ायर शेप सेक्शन, तो फिर आप जो ब्रिक्स हैं उसको आप किसी शेप में आप काट नहीं सकोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको बैट्स चाहिए, आपको क्वीन बैट चाहिए, आपको किंग बैट चाहिए, तो फिर आप उसको एक डिज़ायर सेक्शन में आप उसको नहीं काट सकते, या डिज़ायर सेक्शन में जो मेसन है वो उसको नहीं ला सकता। वो अगर ब्रिक को तोड़ना चाहेगा तो ब्रिक जो है वो हमारे पास इरेगुलर शेप में फिर टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो पेबल स्टोन और ग्रेवल जो हैं ये हमारे पास एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ हैं किसी ब्रिक की, ब्रिक बनाने वाली ज़मीन में। आयरन पायराइट्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयरन पायराइट्स हमारे पास क्या होते हैं। इसको हम आयरन पायराइट्स जो होते हैं ये हमारे पास, इसको हम एक फेक गोल्ड भी बोलते हैं। जो आयरन पायराइट्स होते हैं ये हमारे पास कॉजेज क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की वजह बनती है, एक कली नुमा शक्ल जो है हमारे पास ब्रिक को दे देती है और हमारे पास जो ब्रिक है वो हमारे पास टूट फूट का शिकार हो जाती है बर्निंग के अमल के दौरान। इट डिसकलर ब्रिक इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्लेग, और ये हमारे पास जो ब्रिक का जो कलर है वो बिल्कुल स्याह रंग में तब्दील कर देती है। तो आयरन पायराइट्स जो होती है ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का अमल करती है और जो हमारे पास जो ब्रिक का कलर है ये उसको काफ़ी ज़्यादा मुतासर करती है। ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर से मुराद है कि हमारे पास किसी भी ईंट बनाने वाली ज़मीन में अगर हमारे पास दरख्तों की शाखें होगी या हमारे पास कोई पत्ते वगैरह हो गए या फिर हमारे पास कोई छोटे मोटे पत्थर वगैरह हो गए तो ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो उस लिहाज से हमारे पास नुकसान पहुँचाएंगी ब्रिक्स को। ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रिक्स मेक बिग पोरस रिजल्टिंग इन लो डेंसिटी एंड वीकर ब्रिक्स। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये हमारे पास जो ब्रिक्स के अंदर होते हैं वो हमारे पास पोर्स पैदा कर देते हैं जिस इन लो डेंसिटी एंड वीकर ब्रिक्स, तो जिसकी वजह से अगर पोर्स हमारे पास किसी ब्रिक में होंगे तो वो हमारे पास जो है ब्रिक हमारे पास कमज़ोर होगी और वो हमारे पास टूट फूट का शिकार हो जाएगी, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी हमारे पास दूसरी ब्रिक में होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में पूरी डिटेल में ब्रीफली उस पे बात करेंगे।